पर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। सर सवाल में क्या कहता है, फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड का है, कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटी सब कुछ गिवन है, कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कंटेंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ध्यान देना, क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग टोटल। क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग टोटल का मतलब है भैया कोर्ट के अंदर क्लेम हुआ है, बात करेंगे बाद में। कंटेंजेंट, कंटेंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ही होता है कि ये वो लाइबिलिटी है जिसको देना पड़ भी सकता है, देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। जैसे परपोज डिविडेंड याद होगा, देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है शेयर होल्डर के अप्रूवल पे, अगर उसने अप्रूव्ड कर दिया तो देंगे, नहीं करा तो नहीं देंगे। कहता है द फॉलोइंग स्कीम रिकंस्ट्रक्शन हैज बिन ड्यूली अप्रूव्ड। ठीक है सर, ये दो चार लाइनें तो हर बार बोलते ही हैं एग्जामिनर में। आगे कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, अरे एक मिनट, ठीक है ये हुआ क्या, ठीक है पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है द प्रेफरेंस शेयर वर टू बी रिड्यूस इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर 80 रुपीज ईच। यानी हमारे क्वेश्चन में जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो देखा जाए तो कितने का है साहब, 100 रुपए का है, इसको हम रिड्यूस कर देंगे और बना देंगे 80 रुपए का, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, इसकी भी हम बात चर्चा कर लेंगे, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर पहले पुराना कितने का था, सर 5 लाख का, और बोला गया भैया आप न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दो, और नए वाले प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं इसको, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दे दो सर, 80 का कर दो, तो पहले नंबर कितने थे 5,000, तो 5,000 ही रहेंगे, लेकिन अब उसको कितने का कर देंगे हम 80, तो दैट इज आपका हो जाता है 4 लाख। तो यहां पे हो गया हमारा फायदा और वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में, कितने रुपए चले जाएंगे 1 लाख। बताइए किसी बच्चे को इस सवाल, इस पॉइंट में डाउट, पहला पॉइंट मैंने डन कर दिया, पहला पॉइंट डन कर दिया, किसी को डाउट, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा क्वेश्चन, जूम करना पड़ेगा फिर तो, मैं जूम कर देता हूं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा अब आपको दिखेगा, जो जो मैं करूंगा आप देख लो दिख रहा है, क्योंकि मैं एक एक पढ़ पढ़ के करूंगा, जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा ऊपर करता जाऊंगा, ठीक है दिख रहा है सबको, ठीक है चलिए। हमने पहला एडजस्टमेंट डन कर लिया ए पार्ट, जिसके अंदर बोला गया था प्रेफरेंस शेयर को हमने रिड्यूस कर दिया है 80 का, किसी को दिक्कत इसके अंदर, ऊपर वाला पार्ट अगर नहीं भी दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट के हिसाब से मैं बोल दूंगा इतने का दे रखा तो वो पता चल जाएगा। अब बता दीजिए फटाफट, क्लियर है आपको, सर इलस्ट्रेशन 8 है बुक में, अब जो भी हो सकता है किताब के अंदर भी सवाल मिल जाएगा, जिनके पास किताब है वो किताब में से देख लेंगे, नहीं जिसके पास है वो सामने दिख रहा है। आगे कंटिन्यू खत्म नहीं हुआ, इसी के आगे कहता है एंड इक्विटी शेयर इक्वल नंबर फुल्ली पेड 2.5 रुपए का, इक्विटी शेयर को हम फुल्ली पेड कर देंगे कितने का, 2.5 रुपए का, तो भैया इक्विटी शेयर को भी कर देंगे हम ओल्ड इक्विटी शेयर, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल भैया कितने का था, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है ना, और टू न्यू इक्विटी शेयर, 10 लाख थे ना, वो नंबर कितने थे इक्विटी शेयर के पता है आपको, 1 लाख, तो 1 लाख का 2.5 करने वाले हम, तो अब मिलेगा आपको कितने का, 2.5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमारा फायदा कितने, 7.5, समझ में आई बात आपको,
पहला एडजस्टमेंट मैंने डन कर दिया, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, एक एक एडजस्टमेंट करके हम समझ समझ के करेंगे। किसी को डाउट है फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि आगे आगे एडजस्टमेंट जाएगा तो ये मत बोलिएगा सर पहले वाला बता दीजिए। अभी हम इस क्वेश्चन का पहले बात कर लेते हैं, 2022 वाला भी करेंगे, पहले चैप्टर एक बार खत्म हो जाए वो भी करा देंगे। बच्चे कह रहे हैं सर अगेन ये सवाल जो है जो मैंने पहला पॉइंट किया है क्या कहता है, और ऑल दो 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, हम सवाल में कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने भी थे उसको 80 रुपये का बना दिया जाए और इक्विटी शेयर होल्डर को 250 रुपये का बना दिया जाए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी थे हमारे, पहले ओल्ड वाला लिया और 80 का बना दिया और यहाँ पे 250 बना दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट को ही किया है अभी, सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट ही किया है। अगले एडजस्टमेंट पे चलें, कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ। अब इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ में आपका गुडविल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और वो भी एसेट्स आ जाएगा जो कि हमारे फिक्टिशियस होते थे, जैसे इसको भी करना होगा राइट ऑफ, इसको भी करना होगा राइट ऑफ, पेटेंट को भी करना होगा राइट ऑफ और गुडविल को भी करना होगा राइट ऑफ। समझ में आई बात आपको? कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, तो किस किस को करना है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेटेंट और गुडविल। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? इसको जीरो कर दो, और जीरो करने का मतलब इसको क्रेडिट करो और सारा नुकसान ही एक तरीके से। तो हमारा आएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू गुडविल और टू पेटेंट। सर अब P&L का बैलेंस अगर देखा जाए तो कितने का था? 4 लाख, कितने का? 90 हजार। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने का था? 80 हजार। सब गुडविल कितने का है और पेटेंट कितने का था? अब टोटल कर लीजिए, कितने बन गए टोटल? कितने? भाई आप सब टोटल नहीं करते, पहले के बच्चे, मैं क्वेश्चन कर रहा होता था और यहां लिखता पहले ही बता देते थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में ना बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे आजकल, जो ये कोरोना वाले जितने बच्चे हैं ना वो पढ़ नहीं रहे, वो सब इंतजार करते हैं कि कुछ चमत्कार फिर से हो जाए। भाई जब मैं टोटल कर रहा हूं तो टोटल करिए, आपका समय भी बचेगा और आपको आदत भी होगी। बच्चे पूछ रहे हैं सर यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं तो आपने क्यों किया? अब ना इंटेंजिबल एसेट्स जब बोल दिया जाए ना, इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स में सब कुछ आ जाता है, ध्यान रखना इंटेंजिबल एसेट्स में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कितना है टोटल अभी तक नहीं निकाल पाए? 695, 695। ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों ने बता दिया, देखो 695। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखिए स्टॉक टू बी रीवैल्यूड 380, डेटर कंसीडर डाउटफुल डेट्स रिटन ऑफ। भाई साहब स्टॉक को हमें 380 करना है, और पहले देखा जाए तो स्टॉक कितने का था? 430, तो 380 हो गया, तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा रिकंस्ट्रक्शन टू स्टॉक और टू डेटर, डेटर भी घटेगा ना सर, स्टॉक कितने का घटेगा डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब 380 का हो गया, पहले 430 का था, तो 50। और सर डेटर को बोला राइट ऑफ करने, तो यहां पे ना डेटर का प्रोविजन दे रखा होगा, कहता है डेटर कंसीडर गुड, डेटर कंसीडर डाउटफुल, कहता है डाउटफुल वाले को खत्म करो, डाउटफुल वाले को क्या कर दो? रिटर्न ऑफ। तो 30 हजार रुपये बेकार के डेटर हैं, तो 30,
तो ये आ जाएगा 80,000। भैया इसके बींग की बात करें ना, आप सेम लाइन लिख सकते हो बींग के अंदर अपने नॉलेज के हिसाब से, और अपने अपने जो भी आपको लगता है, जैसे पहले वाले पॉइंट का मैं लिख सकता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू रुपीज इतने का, इक्विटी शेयर रिड्यूस टू इतने का, और इसमें कह सकता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, और इसमें कह सकता हूँ मेरा एसेट्स रिवेल्युएशन हो गया। बींग अपने हिसाब से लिखोगे आप, ठीक है। चलिए सर अगले पॉइंट पे चले, अगले पॉइंट पे चला जाए, मैं इस पॉइंट को ऊपर करता जाऊंगा नीचे करता जाऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ हाफ ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड इन रिसीव इक्विटी शेयर इन लियू ऑफ बैलेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है कि भैया जितना भी मेरा डिविडेंड है तो मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें आधा छोड़ने के लिए तैयार हूं, बाकी मुझे क्या दे दो, इन लियू ऑफ, इन लियू ऑफ होता है बदले में, इसके बदले में, इन लियू ऑफ होता है इसके बदले में। तो क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ, वेव ऑफ का मतलब छोड़ देंगे भैया, कितना, हाफ डिविडेंड। और उसके बाद कहता है एंड रिसीव इक्विटी शेयर, और बोलता है हमें इक्विटी शेयर भी चाहिए इन लियू ऑफ बैलेंस, यानी हाफ छोड़ दिया तो बैलेंस कितना बचा, हाफ, उसके लिए क्या मांग रहा है ये। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें यहां पे, तो ये हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, मैं यही कर रहा हूं, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखा जाए तो कितने का था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भाई साहब कितने का था, 5 लाख रुपए का, है ना, कितने का था, और रेट क्या था, 7%। चलिए आ जाइए, पांच लाख का था 7%, और एरियर कितने साल का था हमारा, ओहो अब उसका कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दे दिया इसने 14,000। क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर का एरियर डिविडेंड 14,000 है, तो भैया प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है वो कितना है, 14,000 में से आधा मैंने 7,000, और आधे की बात करें तो 7,000, आधा आधा हो गया ये, हाफ हाफ, बोला एक पार्ट जो आधा है इसको कर दो जीरो, हम नहीं लेंगे इसका, और एक पार्ट के बदले दे दो इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन सर इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारा कितने का, 2.5 का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखा जाए तो कितने आएंगे, 7,000 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ रहे हैं, इसने बोला 2800 का मुझे इक्विटी शेयर दे दो, कहने का मतलब ये है। अब मुझे बताइए आप, हमारा कितने का फायदा हुआ या कितने का नुकसान ही हुआ यहाँ पे, फायदा है नुकसान बता दें, जल्दी जल्दी बता दे लाइव क्लास वाले बच्चे, फायदा लॉस। गुनगुन का कहना है सर लॉस हुआ, राबिया का कहना है सर प्रॉफिट हुआ, पिंकी का कहना है प्रॉफिट हुआ, काजल का प्रॉफिट, अंजलि का लॉस, गर्वित का लॉस, निधि का प्रॉफिट, 4200 का प्रॉफिट, 4200 कैसे आ गया भाई साहब, हाँ जी बताइए प्रॉफिट लॉस। तो इसका आंसर है, पहले सबसे पहले आपने पैसा दिया है, सोचिए दिमाग लगाइए दिमाग, देखिए तुक्का मारने से नहीं है, क्योंकि मैंने दो चीजें पूछा प्रॉफिट लॉस, बच्चा बोलेगा कुछ ना कुछ, तो ये तुक्का हो गया, कुछ बच्चे जेन्युइन आंसर भी दे रहे हैं, समझिए कैसे इसका आंसर दोगे। सबसे पहले देखो आपने पेमेंट किया है, यानी आपने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, क्या आपको इसको पैसे देने थे वाकई, ये चेक करो। तो जवाब है सर इसको पैसे देने ही नहीं थे, क्योंकि अगर देने होते तो यहां नहीं होता, यहां होता। अब देने नहीं थे फिर भी ना ना करते करते मैं 7,000 दे रहा हूं, तो मेरा पूरे 7,000 रुपए का लॉस हो जाएगा ये। तो एंट्री लॉस का क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और टू बदले में दे क्या रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल सर 7,000। और ये जो कैलकुलेशन मैंने करा है ना यहाँ पे, ये आपके लिए करा है ताकि बैलेंस शीट आगे पता नहीं बोला ही नहीं बोला, देखेंगे, अरे बोला जाए बैलेंस शीट बनाने को, तो उसके अंदर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आप देखिए समझ में आई बात आपको, और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको पहले पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, आज चैप्टर एंडिंग का है, समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात,
जिसने पहली क्लास मैंने डिविडेंड वाले के अंदर टाइम लिया था और बताया था कि अगर कोई भी ऐसा लाइबिलिटी जो बाहर है और बैलेंस शीट के अंदर नहीं है और उस लाइबिलिटी का बोला जाए कुछ नहीं देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, पहले भी लाइबिलिटी नहीं था, अगर उस लाइबिलिटी को बोला जाए 10% दे दो चाहे कितना भी दे दो तो सारा का सारा ही लॉस होगा आपका। ठीक है, चलिए 7,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया सर, 7,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए अगला एडजस्टमेंट, और मैं कहूंगा अगला एडजस्टमेंट जो है ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं, इस पूरे क्वेश्चन की जान है ये, मतलब इसी एडजस्टमेंट की वजह से मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। क्या कहता है, डिबेंचर होल्डर एग्री टेक ओवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू। डिबेंचर होल्डर एग्री करता है हमारा, क्यों एग्री करता है, डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बुक्स वैल्यू 180 ऑफ रुपीज 250 इन सेटिस्फेक्शन पार्ट ऑफ देयर क्लेम एंड वर इशू फ्रेश 7% डिबेंचर विद फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ऑल एसेट्स इन लियू ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू देम पेमेंट ऑफ एडिशनल कैश 150। तो पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में डिबेंचर से रिलेटेड है क्या क्या चीजें। तो अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर जाता हूं, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर अगर देखें तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपए का डिबेंचर है और बैलेंस शीट के अंदर 17,500 रुपए का ब्याज है। पहले तो ये है, तो सर बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपए का डिबेंचर है और 17,500 का, याद रखना मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, मैं सारा एडजस्टमेंट ऊपर कर दूं, बैलेंस शीट में से दो ही चीज था, और एक चीज और, इस डिबेंचर के ब्रैकेट में ना एक बात लिखा हुआ है, देखना भी अभी देख जो ब्लर आ रहा होगा, डिबेंचर के ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है सिक्योर्ड बिल्डिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने डिबेंचर इशू किया होगा ना तो हमने अपना बिल्डिंग गिरवी रख दिया होगा उसके नाम पे, तो अब यहां पे भी देखो आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग, तो यही बिल्डिंग डिबेंचर होल्डर को गिरवी रखा हुआ है, तो ये हो गया सिक्योरिटी। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने डिबेंचर इशू किया था, यानी डिबेंचर मैंने लोगों से जो 5 लाख रुपए कर्जा उठाया था, वो कर्जा मुझे 7% के हिसाब से ब्याज देना था और उसके ऊपर मुझे ब्याज जो बकाया था वो 17,500 था। इतनी सी बात समझ में आई, यही कह रहा है ये लाइन। और वो जो डिबेंचर मैंने कर्जा उठाया था उसके बदले मैंने डिबेंचर होल्डर के पास गिरवी रख दिया था सामान, और क्या गिरवी रख दिया था सामान, लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख दिया था। जो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने गिरवी रख दिया था उस डिबेंचर होल्डर के पास, उसकी कीमत 6 लाख था, लेकिन गिरवी रखने का मतलब ये नहीं होता कि सारा उसका हो गया। अब जब कभी भी आप किसी के पास कोई सामान गिरवी रखते हो तो आप एज अ सिक्योरिटी, भाई रख ले, हम तेरे पैसे लेके भाग नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे पैसे नहीं देंगे तो तू सारा ले लेगा, तू तेरे पास उतना ही अधिकार है कि तू इसमें से बेच के अपना पैसा कट करके वापस जो बच रहा है वो मेरे वापस देगा, यही होता है नियम नॉर्मल सा। तो आप यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट को समझते हैं, बैलेंस शीट के अंदर मोटी मोटी बातें हैं सर, डिबेंचर है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, डिबेंचर जो लिया हुआ है उसके अगेंस्ट बिल्डिंग गिरवी है, बिल्डिंग की कीमत 6 लाख है, डिबेंचर की कीमत 5 लाख और इंटरेस्ट की 17,500। चलिए ये बातें अगर आपको याद हो गई हो रिपीट कर करके तो हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए सर, सवाल में कहता है हमारे पास 7% डिबेंचर है, ध्यान दीजिएगा 7% डिबेंचर है और कीमत है उसकी 5 लाख और एक बिल्डिंग है और उसकी कीमत है कितनी, और इस डिबेंचर होल्डर का ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी है जो कि दिया नहीं है या दे दिया है, कौन बच्चा कहेगा दे दिया है नहीं दिया, 17,500 दे चुके हैं या नहीं दिया बताओ, कैसे पता चला नहीं दिया, क्योंकि ये लाइबिलिटी में शो हो रहा है, अगर दे दिया होता तो लाइबिलिटी में सवाल ही नहीं होता क्या आएगा।
में आ रहा है। अब क्वेश्चन का जो पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो बातें कर रहा था क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं। कहता है डिबेंचर होल्डर, अब भैया मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर का पैसा कितना है, यानी हम इसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, इसको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर, यानी टोटल पैसा जितना देना है। सवाल कहता है डिबेंचर होल्डर टेक अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी बुक वैल्यू 1.80। सर इसको सिक्योरिटी क्या था, डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी क्या था, इसका एक हिस्सा लिया, इसने पूरा नहीं लिया। बोलता है जो ये डिबेंचर होल्डर बोलता है कि भैया मुझे इस लैंड एंड बिल्डिंग में एक चीज पसंद आ गई, एक हिस्सा, और वो हिस्सा जो था आपका 1,80,000 का था, हम इसको लेने जा रहे हैं। बोला उसको आप मत समझिए, उसको हम 2.5 लाख में ले लेंगे, समझ रहे हो बात, यानी 1.80 का मैं बिल्डिंग का पार्ट लूंगा और 2.5 लाख की लाइबिलिटी खत्म। तो यानी कहने का मतलब है सर, कहने का क्या मतलब है, थोड़ा और ऊपर किया जाए, ये नोट्स में दिक्कत देगा। डिबेंचर का कहने का मतलब है भैया डिबेंचर जो है मेरा वो 5 लाख का है, और 5 लाख में से ये 2.5 लाख रुपए माफ, 2.5 लाख रुपए आपके माफ हो गए, और इसके बदले हम आपसे क्या ले लेंगे, ये हिस्सा। अब आप डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नुकसान फायदा, और इधर से भी देखो तो फायदा, फायदा तो एक ही गिनोगे ना, क्योंकि आपने बिल्डिंग को महंगे में 1.80 का सामान कितने में बेच दिया, एक तरीके से यही हो रहा है, कॉन्सेप्ट निकल रहा है। और इधर से सोचोगे तो आपको देना था 2.5, आपने 1.80 में निपटारा कर दिया, तो फायदा तो हो गया हमारा यहाँ पे। पहले ये वाली लाइन समझो, जो यहां से यहां तक लाइन कह रहा है फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, इसके एंड के बाद सेंटेंस अलग है, पहले यहां तक देखो। दोबारा मैं समझाता हूँ, भैया मेरा 5 लाख का डिबेंचर था, सिक्योरिटी था, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं भाई मैं एक काम करता हूँ, तेरे बिल्डिंग में से 1,80,000 का मैं ले लेता हूँ, और मैं अपना डिबेंचर 2.5 लाख का छोड़ दूंगा, समझ में आई यहां तक बात। अब इसकी जर्नल एंट्री कर ले, हमारे पास से बिल्डिंग गया, हमारे पास से डिबेंचर भी गया, दोनों चीजें हुआ, इसकी जर्नल एंट्री। सर इसको और जगह चाहिए, सर इसकी जर्नल एंट्री, सर इसकी जर्नल एंट्री देखी जाए तो मेरा डिबेंचर 7%, 7% डिबेंचर सर, डिबेंचर अकाउंट सर कम हो गया, कितने का कम हुआ सर, और मेरा बिल्डिंग भी कम हो गया, कितने का सर, 1.80 का सर, फायदा हो गया। अगर ये एंट्री समझ में आ गया हो तो हम आगे चले। ये एंट्री समझ में आ गया हो तो आगे चले, और कुछ इसके अंदर ऐसा गणित नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, सीधी सीधी बात है यहां तो। समझ में आ गया यहां तक, यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े, आगे लाइन पढ़ते हैं, रेड लाइन से पढ़ रहा हूं। एंड वेयर इशू फ्रेश 7% डिबेंचर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हिंदी मीनिंग होता है इशू फ्रेश डिबेंचर, इसका मतलब नई डिबेंचर दे रहे हैं और हम डिबेंचर इशू करने लग रहे हैं, विद फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ऑल एसेट्स, जो आपके एसेट्स थे उसको गिरवी रख के, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है गिरवी, इसमें दो चार्जेस होते हैं, मैं हम डिबेंचर चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लोटिंग चार्ज, और फ्लोटिंग चार्ज के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक फिक्स होता है एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो हम वहां देखेंगे। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब समझिए गिरवी रख के, तो इसका कोई लेना देना है नहीं, ये वाली लाइन ना सिर्फ एग्जामिनर ना बच्चों को परेशान करने के लिए दे रहा है, तो इस लाइन का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो कहता है भैया हम 7% डिबेंचर इशू करेंगे इन लियू ऑफ, मतलब हम डिबेंचर इशू करेंगे पेबल ऑफ इंटरेस्ट देम, मतलब इंटरेस्ट अब उसे देना नहीं है, डिबेंचर होल्डर को नहीं देना इंटरेस्ट, और पेमेंट ऑफ एडिशनल कैश 10,000,
और 1.5 लाख। मैंने बोला डिबेंचर होल्डर, ये है डिबेंचर होल्डर, अब समझना, ये है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर बोलता है कि भाई मेरे को और डिबेंचर दे दे, तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को और डिबेंचर दे दूंगा। तो कंपनी इशू करने जा रही है इसको डिबेंचर, बोला ला पैसे दे। उसने बोला मेरे पैसे कितने बनते हैं डिबेंचर होल्डर के? मैंने समझाया डिबेंचर होल्डर तेरे 2.5 लाख तो बराबरी पे हो गए, और 2.5 लाख रुपए और तेरे को देने हैं, और ब्याज के 17,500 रुपए और देने हैं। कायदे से देखा जाए तो तेरा पेमेंट कितना बन रहा है? 2,05,000। कितना बन रहा है? 67,500, यही बच गया है तेरा, क्योंकि तू 2.5 लाख का बराबरी कर चुका है ना। तो भाई मैं, इसने बोला चल एक काम कर, डिबेंचर होल्डर क्या कहता है, मैं तुझे क्या करता हूं 1.5 लाख रुपए और दे रहा हूं, मैं तुझे 1.5 लाख रुपए पेड कर देता हूं। किसने कहा? ये कौन है भाई साहब? डिबेंचर होल्डर ने क्या कहा? मैं तुझे 1.5 लाख रुपए और पेड कर देता हूं। कंपनी ने बोला ठीक है मैं तुझे 1.5 लाख का डिबेंचर इशू करता हूं। बोला रुक जा, मेरा पहले कर्जा तू बोल रहा है ना 2,67,500 है, इंटरेस्ट को हटा के मेरा कर्जा बोल तू, यानी मेरा कर्जा तू 2.5 लाख ही रख और 67,500 इस कैश में एडजस्टमेंट कर दे। यानी तू समझ, तू पहले मेरे 67,500 ला, 67,500 देगा तू और मैं अपने 1.5 लाख मिलाऊंगा और तुझे दे दूंगा। एक तो ये हो सकता है। तो तेरे को कितना दूंगा मैं? 1,67,500, क्योंकि मैं डिबेंचर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर कंपनी से क्या मांग रहा है? ब्याज मांग रहा है, बोल रहा है भाई ब्याज दे मेरे पहले तू, फिर मैं हिसाब बताऊंगा तेरे को। अब कंपनी से अगर मैं ब्याज लूंगा तो कितना ब्याज लूंगा? 17,500 ब्याज आ गए मेरे पास, मैंने अपनी जेब से और निकाले कितने डाल दिए एडिशनल 1.5 लाख। अब मैं बोलूंगा अब तू इसके डिबेंचर दे दे, तो कितने का डिबेंचर मांग रहा हूं मैं उससे? 1,67,500, क्योंकि 1,50 तो मैंने अपने पॉकेट से मिलाया और 17,500 उससे मिले थे, ये हो गया। अब दूसरे तरीके से सोचो भाई, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी से बोले देख 17,500 तेरे पास है मेरे, तेरे से लिए नहीं ना अभी, तेरे पास ऑलरेडी है 1.5 लाख रुपए और ले ले तू। तो अब बताओ कंपनी कितने का डिबेंचर इशू करेगा उसे? 1,67,500। कहानी ये है समझने वाली बात, क्या कहता है दोबारा पढ़ते हैं। कहता है फ्रेश इशू 7% डिबेंचर इन लियू ऑफ इंटरेस्ट पेबल देम, मतलब इंटरेस्ट जो देना था उसको नेट कर दो आप, लियू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू देम इन एडिशनल, यानी इंटरेस्ट वाले को पार्ट के छोड़ के और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें दे रहा हूं 1.5 लाख। तो भैया तूने तो मुझे टोटल 1,67,500 ही दे दिए ना, तो अब मैं डिबेंचर जो इशू करूंगा वो डिबेंचर इशू करूंगा, मेरे पास बैंक में पैसा आएगा सर, बैंक में डिबेंचर इशू ऐसे ही होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा सर? 1.5 लाख आया बस, इसमें से मेरा इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दो सर, कितना? 17,000। और सर फ्रेश डिबेंचर आ गया 7% फ्रेश डिबेंचर, 7% फ्रेश डिबेंचर कितने? ये देखिए एक बार पढ़ लीजिए लाइन ऑफ, देखिए मैंने दोनों तरफ से बता दिया, या पहले पैसा ले लो फिर बाद में दे दो उसको वापस, या पैसा नहीं ले रहे अगला पैसा दे रहे हैं। लाइन कहता है इन एडिशनल 50, यानी इंटरेस्ट इंटरेस्ट तुम रखो और एक्स्ट्रा ले लो 50, सिर्फ इंटरेस्ट बोला रखने को उसने। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर माने आपने बताया था इंटरेस्ट देना होगा, प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट कहां से आ गया? प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड होता है, क्लियर है? एक बार और बता दे, एक बार और बता दे, जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं इसको आपके लिए, आप जर्नल एंट्री को बिल्कुल ध्यान ना दे, एकदम साफ साफ कर दिया, और ये एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है।
बाकी इस बार का एग्जाम जो है ना, वो तो एग्जाम का तैयारी एग्जाम के हिसाब से चलेंगे। अभी तो पहले मैं सिलेबस खत्म करने के पीछे लगा हूँ। तो भैया हमारे पास डिबेंचर है 5 लाख का और बिल्डिंग है 6 लाख का। सर अब डिबेंचर के दो टुकड़े हो गए, सर डिबेंचर के दो टुकड़े हो गए, एक 2.5 लाख रुपए और बिल्डिंग के दो टुकड़े हो गए 1,80,000, और बाकी कितना बच गया 4 लाख, और बाकी यहां डिबेंचर में बच गए 2.5 लाख। ये दोनों आपस में सेटल हो गए, और इस एंट्री की वजह से, इस सेटलमेंट की वजह से ये दोनों आपस में सेटल हो गए। कहाँ लिखा है सर ये दोनों सेटल हो गए? कहता है डिबेंचर होल्डर एग्री टेक ओवर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ₹180, ₹250 सेटिस्फेक्शन दियर क्लेम। डिबेंचर होल्डर कहता है कि भैया तुम बिल्डिंग का मुझे 1,80,000 का हिस्सा दे दो और मैं अपना 2.5 लाख रुपए डिबेंचर छोड़ने को तैयार हो गया। तो ये दोनों आपस में सेटल हो गए, तो इस सेटलमेंट की वजह से हमारा फायदा हुआ, और फायदा जो पहुंचा वो पहुंचा हमारा टोटल 70 का 80 का, 70,000 का, जिसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? हमारा डिबेंचर अकाउंट डेबिट यानी 2.5 लाख का डिबेंचर कैंसिल, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 1,80 का बिल्डिंग क्रेडिट, और रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन हमारा 70,000 रुपये का कैंसिल। समझ में आई बात? ये अगला पॉइंट कहता है डिबेंचर होल्डर, और बात चलती है किसके बीच में सर? बात चलती है कंपनी के बीच में और बात चलती है डिबेंचर होल्डर के बीच में। डिबेंचर होल्डर क्या कहता है और कंपनी क्या कहता है? कंपनी कहता है तेरे डिबेंचर तो पड़े हुए हैं, अब तू ब्याज का बता क्या करना है। कौन कहता है? कंपनी। ब्याज का बता क्या करना है? डिबेंचर होल्डर कहता है रुक जा भाई, मैं समझाता हूँ क्या करना है। डिबेंचर होल्डर कहता है कि मुझे फ्रेश इशू कर दे, और जो एसेट्स फ्लोटेशन है, तो ये तो भाई डराने के लिए इसका कोई मतलब बनता नहीं। इन लियो ऑफ इंटरेस्ट बोलता है कि इंटरेस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड कर तू, और मेरे से 1.5 लाख ले ले। यानी मैं तुझे अभी 1.5 लाख रुपये नगद दे रहा हूँ, और तू ब्याज जो है उसी के अंदर जोड़ ले, और जो ब्याज पड़ा था और जो 1.5 लाख रुपये मैं नगद दे रहा हूँ, टोटल मिला के मुझे फ्रेश इशू कर दे। इसका मतलब सर 1,67,500 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसा कितना आएगा? 1,67,500 का मैं फ्रेश इशू तो करूंगा, लेकिन वो पैसा मुझे कितना दे रहा है सर? पैसा तो सिर्फ 1.5 लाख ही दे रहा है, तो बैंक में आ गया 1.5 लाख, और वो इंटरेस्ट जो मेरा पहले से लाइबिलिटी बना हुआ था वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया, और मैंने टोटल उसको डिबेंचर इशू कर दिया 1,67,500 रुपए का। क्लियर है? ठीक है, समझ में आए? अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अगले एडजस्टमेंट पे चला जाए, क्या कहता है एडजस्टमेंट में? द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्लेम डैमेज पेंडिंग अगेंस्ट लॉ मेटरलाइज द फुल एक्सटेंट, हाउ एवर द कंपनी कुड रिकवर 40,000 दीज रिस्पॉन्सिबल सेटल बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगला तो कुछ नहीं है, द डायरेक्टर ऑफ द कन्वर्ट लोन इंटू इक्विटी, वो तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर का लोन। अब इसकी बात समझो, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है कहाँ लिखा है? ये रहा लिखा आपके नोट में, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इसका मतलब ये मेरे ऊपर बैलेंस शीट के अंदर इसलिए नहीं था क्योंकि ये अभी सस्पेंस में था कि देना है या नहीं देना है। लाइबिलिटी के अंदर वही पॉइंट आ सकता है जो कंफर्म हो जाए तुझे देना है, ठीक है ना? तो इसे बोला जाता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कितने का है सर? 50,000 का। इसको समझते हैं, चलिए सर 50,000 का कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, इसको समझ लिया जाए क्या कहना चाह रहे हैं। आप ऐसे समझिए इसको, बड़ी सिंपल सी बात है ये। अरे मान लो एक कंपनी का ऑनर, या मान लेते हैं ये वर्कर है, ये वर्कर है ध्यान रखना, और ये कंपनी है, ये है कंपनी,
ठीक है, और ये है बैंक। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी स्टोरी बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये कौन है? बैंक है। और हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? ये कलर कौन सा आ गया? अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं बताओ? बैंक के लिए करेंगे, एम्प्लॉय के लिए करेंगे, कंपनी के लिए करेंगे, या सबके लिए करेंगे? भैया सिर्फ और सिर्फ हम कंपनी के लिए करेंगे। मैंने बैंक से लिया लोन, और उस लोन मतलब बैंक से एक मैंने लैपटॉप फाइनेंस कराया, सपोज करो एक लैपटॉप, और वो लैपटॉप उठा के दे दिया मैंने इसको, किसको? अपने वर्कर को। और वर्कर ने ये लैपटॉप उठा के दे दिया फ्रेंड को। इस लैपटॉप की कीमत थी 50,000, ठीक है। अब कंपनी बैंक वालों को पैसे देगा, और ये लैपटॉप पे अधिकार किसका है? इसके वर्कर का है या कंपनी का है? कंपनी का अधिकार है, ऑब्वियस सी बात है। कल के दिन वर्कर बोलेगा मैं जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई लैपटॉप दे जा। अब इसके दोस्त ने ये लैपटॉप खो दिया, खो दिया, यानी बोल रहा है भाई मैं गया था लेके लैपटॉप, पता ही नहीं चला चोरी हो गया। अब ये कंपनी को बोलता है कि भैया लैपटॉप हो गया है चोरी, कंपनी बैंक को बोलता है लैपटॉप हो गया है चोरी, बैंक बोलता है मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो आपसे पैसे लूंगा, मुझे तो ये 50,000 रुपये का जो आपने लोन लिया था वो तो मैं आपसे पेमेंट लूंगा, क्या बैंक कहीं से गलत है? अब कंपनी को इसको 50,000 देने पड़ेंगे। अब कंपनी कहेगा मैं थोड़ी बैंक को भरूंगा भाई, तू ही भर बैंक को, तो क्या कंपनी गलत है? नहीं है। अब ये कहेगा मैं क्यों भरूं, मेरा दोस्त भरेगा, क्या ये गलत है? नहीं, सब अपनी जगह सही है, ठीक है। अब हुआ ये, कंपनी ने क्या करा भाई, कंपनी को एक डर भी है कि एम्प्लॉई अब भाग जाए, मैं ज्यादा प्रेशराइज करूंगा तो मुझे ही देना पड़ सकता है ये 50,000 रुपये। मैंने बोला एम्प्लॉय तू पैसे लेके आ, मुझे नहीं पता कहीं से भी लेके आ, और एम्प्लॉय बोला ठीक है मैं जा रहा हूं और चला गया। तो इसका मतलब भाई आए नहीं वो, तो फिर मेरी लाइबिलिटी बन गई वो तो, और अगर एम्प्लॉय वापस आ गया तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो यानी ये लाइबिलिटी कहीं ना कहीं अनसर्टेन है, तो मैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो नहीं करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं मुझे एम्प्लॉय देगा और मैं जाकर बैंक वालों को दे दूंगा, तो मेरा ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो गया। कितने का? लेकिन जिस दिन ये भाग गया ये रियल लाइबिलिटी बन जाएगा 50,000। तो एक तरीके से मुझे बैंकर को पेमेंट करना पड़ेगा, बैंकर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ सकता है। क्लास तो हाँ जी भाई साहब, कहानी यहां तक थी कि पैसा देगा कौन। अब यहां पे कंपनी ने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बुक किया, कितने का सर? 50,000 का, यानी इसको पेमेंट करना है, और इधर इसको ऊपर भी लाइबिलिटी है। अब हुआ ऐसा, इसके दोस्त ने इसको दे दिए
40,000। अब इसने बोला सर अब इससे ज्यादा नहीं होगा, मैं तो 40 ही दूं। और इसको मजबूरन बैंक को कितना देना, ये क्या बोल सकता है ऐसा बैंक को कितना देना होगा? तो कहानी समझ में आ रही है। अब कंपनी एंट्री क्या करेगा, कंपनी का नुकसान कितने का? तो कंपनी बस 10,000 का कर देगा रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। समझना बात को, कंपनी एक एंट्री करेगा रिकंस्ट्रक्शन टू, क्योंकि मेरा रिकंस्ट्रक्शन नुकसान हो गया और बैंक से मुझे कितना पेमेंट करना पड़ गया। या फिर कंपनी ऐसे एंट्री कर सकता है कि मुझे पैसे मिले, तो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे भी मिला मेरा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, या एम्प्लॉय जिस वर्कर से मिला उसका नाम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब फिर हम बैंक को पेमेंट करेंगे, तो बैंक को जब हम पेमेंट करना जाएंगे तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर क्रेडिट में 10,000 कम पड़ जाएंगे, सॉरी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा हमारा 50, और टू बैंक, और जो कम पड़ेगा उसे कहाँ कंपनसेट कर देंगे, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा रिकंस्ट्रक्शन। यानी मेरा कहानी समझाने का मतलब यही है कि भैया इसका एक अमाउंट लॉस हो गया 10,000 का, जो कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाए। समझे बात? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक कहानी समझ में आया क्या है? अगर ऐसा सिचुएशन आए तो कैसे टिकल करना है? इसके दो वे हैं, मैं कर ही देता हूं। पहला वे, सर मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, और किससे आएगा? सर एम्प्लॉय से आएगा। कितने आएंगे सर? 40,000 आएंगे। दूसरा, मुझे मेरा बैंक वाले को पेमेंट करना है। सर कितना पेमेंट करना है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को? सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को करना है 50 का पेमेंट, जिसमें मैंने बैंक से कितना पेमेंट कर दिया सर, उसको पूरे 50 पेमेंट किए। अब इसके बाद देखा जाए, या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, पूरे पेमेंट हो गए। अब इन दोनों एंट्री की वजह से मेरा हो गया नुकसान। क्या हो गया नुकसान? रिकंस्ट्रक्शन, और रिकंस्ट्रक्शन किससे नुकसान हो गया? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 50,000, 10,000 से। एक तो ये एंट्री बन जाता है यहाँ पे। समझिएगा, ये पैसा लेने का एंट्री है, ये पैसा देने का एंट्री है, और ये नेट में नुकसान को बुक करने का एंट्री है। इन तीनों एंट्री को जब मर्जिंग करेंगे तो एक ही एंट्री बनता है सर, रिकंस्ट्रक्शन और टू बैंक। देखिए, बैंक से बैंक कट गया, बैंक क्रेडिट में बच गया कितना, ठीक है। एम्प्लॉय डेबिट है, इसको कॉन्टिंजेंट की कर देते हैं, एम्प्लॉय डेबिट कॉन्टिंजेंट, तो इससे कट जाएगा, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है। चलिए, ये तो हमारा था एग्जाम्पल। अब हम आ जाते हैं रियल क्वेश्चन के ऊपर कि सर क्या करेंगे यहाँ पे, इतनी सारी बातें हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए सर, चलिए, कहता है द कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी क्लेम पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ मेटेरलाइजेशन फुल एक्सटेंट। कहता है जो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी था, क्लेम था डैमेज के लिए, यहां डैमेज वाली बात आ गई, मीन्स किसी को देना पड़ रहा होगा डैमेज के लिए, कोर्ट लॉ में मेटेरलाइज फुल एक्सटेंट, कोर्ट ने बोल दिया तू दे भाई इसको सारा। यानी जो मेरा ऊपर देखा था हमने, कितने का था हमारा? 50,000 का था कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, कोर्ट ने बोल दिया तू सारा दे। आगे कहता है हाउएवर कंपनी कुड रिकवर 40,000 दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। कंपनी ने बोला मैं 50,000 देना पड़ रहा है तेरी वजह से, जो इस 50,000 के बदले रिस्पॉन्सिबल था तू मेरे को पैसे दे। यानी बैंक था, कंपनी को बैंक को देना पड़ा, और कंपनी ने रिकवर कर लिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। सेम यहां पे बोला भैया जो रिस्पॉन्सिबल है उससे मैंने कितना रिकवर कर लिया? 40,000 सच डैमेज, सेटल रेस्ट बाय इशू ऑफ शेयर, और बाकी बोला भैया मैं तुम्हें शेयर दे देता हूं। यानी मैं जो 50,000 का पेमेंट करने गया उसको, तो 50,000 का पेमेंट करने का मतलब कौन था? डैमेज पेंडिंग या कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी सर, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कितना करना था सर? सर करना था 50, जिसमें से मैं बैंक से दे पाया कितना? सर बैंक से मात्र दे पाया 40, और बोला बदले में दे दो क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। या फिर इसका एक और तरीके से कर लेते हैं, रुक जाइए रुक जाइए, या नेट करके कर दूं? इसको नेट करके कर दूं क्या? ये दो एंट्री करके दिखाऊं, ये समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी 50, बैंक से पेमेंट 40, और नहीं ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले तो हमें बैंक से पैसा मिला है, तो पूरी डिटेल में चल लेते हैं। नंबर वन, हुआ क्या होगा? मेरे पास पैसा आया होगा बैंक टू,
मान लेते हैं कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का डैमेज लिख देता हूं, ये कॉन्टेंजेंट अच्छा नहीं लग रहा, डैमेज, बैंक टू डैमेज कितने आए मेरे पास 40। अब यही डैमेज जो मेरे पर था वो डैमेज मैं दे दूं उसको जिसको देना था मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डैमेज कैंसिल हो गया और टू मेरे पास है, बैंक से पैसा चला गया। मेरे ऊपर डैमेज का क्लेम कितना था 50 का, 50 में से 40 का सेटलमेंट डन हो गया, मेरे पास पहले पैसे आए वही पैसे उठा के दे दिए, और अल्टीमेटली देखोगे नॉकअप हो जाएगा ये एंट्री, तो कट जाएगा, जीरो बचेगा। अब मैं उसे 10,000 और दूंगा डैमेज का, तो मैंने बोला भैया फालतू मेरे जेब से जा रहे, तो मैं करूंगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और बदले में पैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हें, क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने रुपए चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली आप अगर देखो तो इसका एंट्री सिर्फ क्या बनता है, एक एंट्री बनता है लॉस। बच्चे कह रहे हैं सर 50,000 रिकंस्ट्रक्शन में तो 50 आएगा, मान गया आपका 50,000 रुपए का लॉस है, 40 फायदा भी तो हुआ, नेट में लॉस 10 ही तो बचे, फायदा कहां से हुआ, क्योंकि रिकवर कर लिया मैंने। बताइए पढ़ लीजिए एक बार, सर इक्विटी शेयर डेबिट नहीं होगा, इक्विटी शेयर हम इसको इशू करेंगे तो इशू करते टाइम पे क्रेडिट होता है हमेशा, मैं इसको फ्रेश एंट्री कर दूं काट पीट के, या ये भी हो जाएगा आप फ्रेश एंट्री में, सिर्फ मैं यही करता, मैंने कर दिया है, बाकी वीडियो आपको मिलेगा तो अपने हिसाब से अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में लिख लोगे आप। क्लियर, अगले पॉइंट पे, लास्ट वाले पॉइंट में दम ही नहीं है, कहता है कि डायरेक्टर के लोन को खत्म करके क्या दे दो इक्विटी, तो एंट्री क्या बनेगा डायरेक्टर के लोन को खत्म करके। सर तीनों एंट्री लिखेंगे, तीनों एंट्री ना लिखें सिर्फ एक एंट्री लिखें तब भी बात बन जाएगी, और मैं तो हमेशा से बोल रहा हूं कि एक ही एंट्री लिखो, वो समझाने के लिए डिटेल में कि ये पैसा नहीं, तो मैं सिर्फ एक एंट्री कहता तो बच्चे पूछते सर 50 का क्या होगा 40 का क्या होगा, तो मैंने 50 का 40 का और 10 का सबका बता दिया, तब भी मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ इसकी करो एंट्री। बच्चे बोल रहे हैं सर एक फ्रेश एंट्री कर दो, ये लो फ्रेश एंट्री, एक ही एंट्री करोगे, टू इक्विटी शेयर का ये है फ्रेश एंट्री, एक एंट्री काम खत्म। आप इतनी देर से आईपीएल देख रहे थे, पढ़ लो, नहीं तो जो आईपीएल देख रहे हो उसी से फिर आपका भी बन जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री, द डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट लोन इनटू द इक्विटी शेयर, डायरेक्टर ने कन्वर्ट कर दिया लोन इनटू इक्विटी शेयर। सर डायरेक्टर का लोन भी था क्या बैलेंस शीट में, चेक कर लेते हैं, भाई आ जाओ नीचे, एक लाख दिखा, एक लाख का लोन है देखो, एक लाख का लोन बोलता है इसको कन्वर्ट कर दो इक्विटी में, तो मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगा बताओ, लोन अकाउंट डेबिट टू, लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही कर दे, लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं ऐसे कर रहा हूं आपको बिल्कुल साफ साफ करना है। मेरा एक सवाल है आप बताइए, बैलेंस शीट बनाना है नहीं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है, और वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट
बना दे, आप बना सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन बन जाएगा ना। एक एंट्री और करना रह जाएगा, वो कौन से वाला है? कैपिटल रिजर्व वाला, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व वाला रह जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, ठीक है। बैलेंस शीट आप बना के देख ले, मैं तो कहूँगा सभी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट बनाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।